हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3.4 की। तो देख लेते क्या है यहाँ पे। कंपाउंड बार ABC, यहाँ पे आपको एक बार दिख रही है ABC, 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि 1.5 मीटर लॉन्ग दी है। इज़ मेड अप टू टू पार्ट्स, एक एल्यूमिनियम से एक स्टील से। एक एल्यूमिनियम से बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है। एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम बार इज़ द ट्वाइस ऑफ द एरिया स्टील बार। अगर मैं बात करूँ कि जो एल्यूमिनियम का एरिया है वो आपके ट्वाइस है आपके स्टील के एरिया के, तो ये बात मुझे उन्होंने बताई है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अगर नोटिस करेंगे, द रॉड इज़ सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड, जो कि 200 किलोन्यूटन दे रखा है। इफ़ द इलोंगेशन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड स्टील पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफॉर्मेशन है, यानी कि चेंज इन डिफॉर्मेशन, वो बराबर दे रखा है। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड बार, यानी कि इनकी लेंथ बतानी है आपको। टेक ई, यानी कि स्टील के लिए 200 GPa और एल्यूमिनियम के लिए आपको 1/3 लेना है उसका। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेक्शन, जैसे रखा है एल्यूमिनियम मान लिया और ये स्टील मान लिया। तो सबसे पहले मैं डिफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ एल्यूमिनियम के लिए। तो चेंज इन लेंथ ओवर ए करूँगा, तो PL ओवर AE की बात होगी, पर वो सब एल्यूमिनियम के लिए होगा। लोड आपका सेम ही है, तो 200 GPa लगा, 200 किलो न्यूटन लगा दिया। लेंथ मुझे बतानी है कितना है। ए की वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पे, कि जो ए है आपका एल्यूमिनियम का, वो टू ट्वाइस ऑफ द स्टील है, तो वो लगा दिया मैंने। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है एल्यूमिनियम की, यानी कि यंग्स मॉडल्स की, वो उसने दी है 210/3 और डिवाइडेड बाई 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू लगभग इतनी आएगी, डिफॉर्मेशन एट ए 1.5 LA ओवर एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्टील, एरिया ऑफ स्टील कि वो चेंज हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। सेम मैं दूसरी चीज़ देखूंगा यहाँ पे, चेंज इन लेंथ फॉर द स्टील। तो चेंज इन लेंथ फॉर द स्टील वही होगा आपका, PL ओवर AE होगा, पर वो स्टील के लिए हो जाएगा। यहाँ पे जो P है वो आपका 200 किलो न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि एक एक्सियल लोड लगा हुआ है। लेंथ मुझे निकालनी है स्टील के लिए। A की वैल्यू उन्होंने, अब यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि स्टील से स्टील कट जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दी है वो दी इसने 210/3। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया इसको, पूरा का पूरा कटता हुआ दिख रहा है, LS ओवर AS आ गया, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। तो इन्होंने बोला कि क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों डिफॉर्मेशन सेम है, तो मैंने दोनों को सेम सेम रख लिया। AS से AS कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई LS इज इक्वल 1.5 LA। क्लियर। तब मुझे पता है कि एक इक्वेशन मेरी ये बनी है, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि LA + LS इज इक्वल 1.5 मीटर होगा। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस को पुट किया, वैल्यू लगाई यहाँ पे। एल्यूमिनियम की वैल्यू मेरी 600 mm निकल के आई, और LS की वैल्यू, क्योंकि वो 1500 mm है, तो 600 पहला आ गया है, तो दूसरा 900 mm हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।